अगर मैं आपसे पूछूं मुझे भी इसका स्क्वायर रूट बताए 9216 का, तो कैसे आए? किसी बच्चे से पूछूं कि मुझे 729 का स्क्वायर रूट बताए तो वो कैसे आए? या मैं किसी बच्चे से पूछूं कोई मुझे 7569 का स्क्वायर रूट बताए तो कैसे आए? या मैं किसी बच्चे से पूछूं कि कोई मुझे 482304 का स्क्वायर रूट बताए तो कैसे? अगर मैं किसी से पूछूं कोई मुझे 532809 का स्क्वायर रूट बताए तो कैसे है? तो सर आपने क्वेश्चन लिख दिए हैं बोर्ड पे, इन सब का स्क्वायर रूट कैसे आता है? स्क्वायर रूट कब भी निकालना हो, जो बचपन में टेक्निक सीखी थी वो टेक्निक तो यही थी सर कि लेट से अगर अपन इसमें से कोई सा भी एक नंबर ले, लेट से अपन कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं, मुझे अलाउ करो, चलो मैं 729 लेता हूँ। तो सर 729 लोगों तो आपको ऐसा सिखाया था कि पहले 3 से करना, 2 से तो होगा नहीं, तो शायद ये कितना आ जाएगा अपने पास, 3 2 जा फिर 4 जा 243 फिर 3 आ जाएगा, हाँ बेटा 81 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 27, फिर 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 9, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1। फिर बचपन में सिखाया था जोड़ियां बनाना, क्या बनाना? जोड़िया बनाना, तो 3 × 3 × 3 तो दो दो की जोड़ी को एक में लाना, तो सर इससे आपका आंसर क्या आ गया 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल टू व्हाट 27। तो 729 का तो स्क्वायर रूट कितना है 27, आई प्रॉमिस। ठीक है सर, आपने बता दिया, हमने मान लिया। तो सर बाकी चीजों का स्क्वायर रूट क्या होगा? बाकी चीजों का स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर मैं बात करूं कि 9216 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7569 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2304 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2809 का स्क्वायर रूट क्या होगा? अगर बच्चे मुझे बता सके तो मैं बच्चों को बिल्कुल अलाउ करता हूं कि अगर मैं समझाना चाहूं, जब भी किसी स्क्वायर वाले नंबर के आखिरी में, ध्यान रखना कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, आखिरी में अगर 1 आ रहा है तो बेटा उसके रूट में, 1 और 9 ही रहेगा। किसी भी स्क्वायर नंबर के आखिरी में अगर 4 आ रहा है तो उसके रूट में वो 2 और 8 ही रहेगा। किसी भी स्क्वायर नंबर के आखिरी में अगर 7 आ रहा है, सॉरी, अगर किसी भी स्क्वायर नंबर के आखिरी में 9 आ रहा है तो उसके रूट में 3 और 7 ही रहेगा लास्ट में। तो किसी भी रूट नंबर के आखिरी में स्क्वायर नंबर में 6 आ रहा है तो उसके रूट में 4 और 6 ही रहेगा, और किसी के भी आखिरी नंबर में 5 आ रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा 5। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट, बच्चे इसको उतारे तो मैं आगे बात कर सकता हूँ, पहले इतने से जिंदा है तो अगर आप समझोगे तो मैं बताने क्या वाला हूँ इसके आगे। अच्छा बता, ये तो तेरे को समझ में आ गया, अच्छा अब मुझे बता 10 का स्क्वायर क्या होता है सर, 100, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, 60 का स्क्वायर क्या होता है 3600, 70 का स्क्वायर क्या होता है 4900, 80 का स्क्वायर क्या होता है। सर ये तो यार बच्चों वाली बात करा रहे हो आप भी, ठीक है ना बेटा, थोड़ा सा लिख ले मेरे कहने पे तो मैं देखो थोड़ा बता पाऊंगा। सर का स्क्वायर क्या होता है 10,000, शायद 110 का स्क्वायर क्या होता है सर 121000, ठीक है सर। सर 120 का स्क्वायर क्या होता है 144000, सर 130 का स्क्वायर क्या होता है 169000, सर 140 का स्क्वायर क्या होता है 196000, जहां तक तुमको याद हो वहां तक तुम लिख सकते हो। सर मैंने तो जहां तक, वैसे मुझे इसके आगे का भी याद है बट मैंने आपकी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है। आखिरी में क्या आ रहा है सर, नंबर के आखिरी में आ रहा है 6, तो सर किसी भी नंबर के अगर आखिरी में 6 आएगा तो उसके रूट में क्या आएगा 4 और 6, ये बात कन्फर्म है। किसी भी स्क्वायर नंबर के आखिरी में अगर क्या आएगा 6 तो उसके रूट में क्या आएगा 4 या 6। अभी जो 9216 है 9000 के आसपास का नंबर है, किसके आसपास का नंबर है 9000। इस पूरी सीरीज में कहीं 9000 दिख रहा है क्या? सर 9000 90 से 100 के बीच में आता है, तो देख लो ना, क्योंकि 90 का स्क्वायर 8100 होता है और 100 का स्क्वायर कितना होता है 10000, तो सर इसका मतलब ये जो भी नंबर है 8100 से 10000 के बीच में, अगर बच्चा समझना चाहे कि जो भी नंबर है ये 8100 से 10000 के बीच में, तो सर या तो ये 94 है या तो ये 96 है। अब ये नंबर 9216 पता किसके पास में, इसके 8100 के ज्यादा पास में है कि 10000 के ज्यादा पास में? सर 9216 8100 से दूर है और 10000 के पास है, तो 96 इज द आंसर। सर क्या आपने ऐसे ही आंसर बोल दिया? हाँ बेटा,
मिनट शांति रख और समझाता हूँ। जैसे सेकंड नंबर था 729, तो आखिरी में क्या था? 9। अगर आखिरी में 9 है तो रूट में या तो 3 आएगा या तो 7। अगर आखिरी में 9 है तो रूट में या तो 3 आएगा या तो क्या आएगा? 7। ठीक है सर, रूट में 3 आएगा या 7। ये नंबर फर्स्ट का आ रहा है 729। सर देखो ये 400 से 900 के बीच में, तो हमको पता है 20 का स्क्वायर 400 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो सर क्या ये सीरीज कुछ याद करने की जरूरत है क्या? कभी नहीं बेटा, क्यों याद करूंगा, ये तो मुझे पता है ना सर 20 का स्क्वायर 400। सर इसका आंसर 23 है या 27? 23 है या 27 है? अभी जो 729 है बता 400 के पास में है कि 900 के पास में? और अगर ये 900 के पास में है तो इसका आंसर हो गया 27, नीचे वाले के पास में ना बेटा। अगला वाला है 4809, आखिरी में क्या है? आखिरी में क्या है? 9। तो सर आखिरी में 9 है तो रूट में 3 होगा या 7 होगा? कंफर्म 4809 है तो आखिरी में 3 होगा या 7 होगा? ये नंबर फर्स्ट का आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर कहाँ सर? यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर यहाँ पर। अगर अपन देखें बेटा कंफर्म 4809 ही था, वैसे देख लेना बेटा जो भी हो, तो 4809 था कि कुछ 2809 था क्या कि कुछ और था ये नंबर? ठीक है जो भी होगा एक बार देख लेना। 7569 एक नंबर था, ये 7569 था। ठीक है चलो 7569 ले लेते हैं। अगर 7569 था तो ये 3 है और ये क्या है? 7। ठीक है सर, अब सर ये 7500 वाला नंबर फर्स्ट कहाँ रहा है? 7500 वाला नंबर फर्स्ट कहाँ रहा है सर? यहाँ पे देखो ना सर, 6400 और 8100 के बीच में। तो सर या तो ये 63 है या तो ये 67 है। आई रिपीट, या तो ये 63 है या तो ये 67 है। 63 या 67, तो सर कौन सा नंबर 60? या तो ये 63 है या तो ये क्या है? 67। सर किसके पास में 7569? इसके पास में किस में? सर नीचे वाले के पास में दिख रहा है, तो आंसर कितना होगा? 67। नेक्स्ट 2304। हाँ बेटा भैया, वो तो 83 और 87 होगा ना? आखिरी में कितना है सर? आखिरी में तो 4 है। अगर आखिरी में 4 है तो बता रूट में कितना होगा? या तो 2 होगा या तो 8, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। और ये 2304 है नंबर इसके बीच में सर, यहाँ पे, यहाँ पे 40 और 50 के बीच में फंसेगा। और सर 40 50 के बीच में या तो 42 है या तो कितना है? 48। अब सर ये 2304 किसके पास में? 40 के पास में कि 50 के पास में? सर ये तो 50 के पास में, तो 48 इसका आंसर कंफर्म। अगला क्या है? 2809। अगला क्या है? 2809। तो आखिरी में क्या है सर? आखिरी में तो 9 है। आखिरी में 9 है तो रूट में क्या आएगा? 3 आएगा या 7 आएगा? आखिरी में 3 आएगा या 7 आएगा? तो मुझे बताइए कि नंबर किसके बीच में फंसा है? 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में। तो या तो ये 53 है या तो ये 57 है। तो किसके पास में? 60 के पास में कि 50 के पास में? के पास में कि 50 के? तो 50 के पास में, तो आंसर इज 53। द आंसर इज 50। तो आप फटाफट आप मुझे रूट निकाल के दिखाओ। 5329705686449 निकालना शुरू करो बेटा। आगे देता हूं मैं तुमको 5625 676 2401 3844 6084 1345 6 1 8 7 6 9 चले बेटा। मैं एक बात तेको बता दूं, किसी भी क्यूब वाले नंबर में अगर आखिरी में वन आएगा तो फिर रूट में भी वन ही आएगा। वन इंटू वन इंटू वन वन ही। किसी भी क्यूब वाले नंबर में अगर आखिरी में 2 आएगा तो रूट में आएगा 8। क्यूब वाले नंबर में अगर आखिरी में 3 आएगा तो रूट में आएगा 7। 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 7 का 3 रहेगा, 8 का 2 रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। तो सर क्या बताना चाहते हो? गाड़ी का नंबर 2873, तो CR2873 सिर्फ ये चेंज होंगे, वो भी 2 का 8 होगा, 3 का 7 होगा, और उल्टा 7 का 3 होगा
और 8 का क्या होगा 2, मतलब सिर्फ इतना याद कर लो 2873, 2873, 2 और 8 आपस में 10, अगर क्यूब में 2 है तो रूट में 8 होगा, क्यूब में 8 है तो रूट में 2 होगा। ठीक है सर, समझ रहे हैं इस बात को सर? अब उसके बाद आप कुछ और भी समझना चाहते हो बताना यार बेटा, मुझे बता 10 का क्यूब कितना होता है सर? 1000। चल 20 का क्यूब सर 8, 30 लगा लो। 30 का क्यूब सर 27, 30 लगा लो। 40 का क्यूब सर 64, 30 लगा लो। 50 का क्यूब सर 125, 30 लगा लो। 60 का क्यूब सर 60 का 216, 30 लगा लो। सर 70 का क्यूब भी याद है हमको 343, और 30 लगा लो। 80 का क्यूब सर 512, 30 लगा लो। 90 का क्यूब सर, 90 का क्यूब होता है शायद 729 जितना मुझे पता है, और 30 लगा लो। सर 100 का क्यूब, बट 100 का क्यूब 10 लाख होता है, आप बात कर रहे हो सर। और सर 110 का क्यूब याद कर, अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में 1331 खेलते ही खेलते हैं, और 30 लगा लो। 120 का क्यूब कितना? 17,28,000। तो क्या सर आप 17,28,000 तक के क्वेश्चन को करा सकते हो? यूं यूं यूं। तो सर कैसे करेंगे, चल मजा करते हैं। आखिरी में क्या आ रहा है? 7। आखिरी में क्या आ रहा है? 7। तो रूट में कितना आएगा? 3। आखिरी में क्या आ रहा है? 7। तो रूट में कितना आएगा? 3। अब ये जो 2197 है, नंबर फंसता कहाँ है? ये नंबर फंसता कहाँ है सर? ये यहाँ फंसता है, 1000 और 8000 के बीच। तो इसका आंसर सीधे 13 है, कोई दो ऑप्शन नहीं, सीधे एक ही आंसर, एक आंसर। ठीक है, आखिरी में कितना आ रहा है? 5। तो रूट में भी कितना आएगा? 5। लेकिन ये 8,57,000 फंसता कहाँ है? 8,57,000 सर, 8,57,000 यहाँ फंसता है, देख ले रहा, 7,29,000 इसके। तो सर इसका आंसर कितना है? सीधे मान ले 95, खत्म। आखिरी में कितना आ रहा है? 4,44,000। तो रूट में कितना आएगा? 4। सर ये तो मजा है यार, आखिरी में 4 तो रूट में 4, ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, तो सर 5,92,000, 5,92,000 कहाँ आ रहे हैं सर? यहाँ पे आ रहे हैं, आप चेक कर लो अपने कैलकुलेटर से, आंसर यही आएगा। आखिरी में कितना आ रहा है सर? 8। तो रूट में कितना आएगा? 2, क्योंकि 2873। 74,000 कहाँ अटक रहा है? 74,000 कहाँ अटक रहा है? शायद सर 74,000 यहाँ पे अटक रहा है, तो आंसर इज 42। ठीक है सर, आखिरी में क्या आ रहा है? आखिरी में क्या आ रहा है? 6। तो सर रूट में भी क्या आएगा? 6। 46,000 कहाँ अटक रहा है? 46,000 सर, 46,000 यहाँ अटक रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 से 60 के बीच 36। सर आपने पूछ लिया 1,40,608, ठीक है ना, 1,40,608 के रूट में कितना आएगा? 2। सर रूट में कितना आएगा? 2। ओके, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, लेकिन 1,40,000 कहाँ अटक रहा है? 1,40,000 सर अटक रहा है यहाँ पे, अगर सर यहाँ पे अटक रहा है तो इसका आंसर है 52। 9,70,000, लेकिन सर आखिरी में तो 9 है, तो 9,70,000 कहाँ अटक रहा है सर? 9,70,000 यहाँ पे रख रहा है, 99 का क्यूब है। 14,04,928, कोई चिंता की बात नहीं, आखिरी में 8 है, 2 आएगा। 14 लाख कहाँ अटक रहा है? 14 लाख यहाँ पे अटक रहा है, तो आंसर है 105। ट्रिक जिनको समझ में नहीं आई वो बच्चे मुझसे, चलो पहला क्वेश्चन है 884736, कम ऑन। मेरा दूसरा है 75616, मेरा तीसरा है 2167, मेरा चौथा है 405224, मेरा पांचवा है 15,60,896, मेरा छठा है 54872। आप देखिए जरा इसमें कितना है दम, ध्यान रखना मेरे क्वेश्चन लिखते लिखते भी आपका टाइम तो चल ही रहा है बेटा, ये नहीं बोल सकते कि आपका टाइम नहीं चल रहा है। आप 10 क्वेश्चन दे दिए हैं, 15 सेकंड ओवर हो चुके। 96, ठीक है, 56, ठीक है, 43, ठीक है, 74, ठीक है, 116, ठीक है,
38, ठीक है 71, ठीक है ठीक 84, 118, है ठीक 121. है। क्या श्रेया के सारे आंसर सही है?